दिल्ली में बाढ़ के कहर के बीच डीडीएमए की अहम बैठक, केजरीवाल सरकार ने लिए कौन कौन से फैसले। अभी डीडीएमए की मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे एलजी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है, 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हैवी व्हीकल्स जो हैं जो एंटर करते हैं दिल्ली के अंदर, वो हैवी व्हीकल्स को नॉन एसेंशियल सप्लाईज़ जो कर रहे हैं दिल्ली के लिए उनको अलाउ किया जाएगा, नॉन एसेंशियल सप्लाईज़ वाले वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। और रिलीफ कैंप्स में टॉयलेट्स की और बाथरूम की बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि साथ में कावड़ के भी बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं वहाँ चले गए हैं, तो अब रिलीफ कैंप्स को, काफ़ी सारे रिलीफ कैंप्स को स्कूल्स में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि सर अभी क्योंकि NDRF के DG भी थे जो राहत बचाव कार्य उसको लेकर वो सारे एडिक्वेट बोट्स, अगर बोट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो NDRF की टीम्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, और भी बोट्स अभी कितनी बोट्स हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया। ख्याल से अभी तक लगभग 20,000 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं और 50 से ज़्यादा बोट्स हैं, लेकिन अभी ये कहा गया उन्होंने कि ज़्यादा बोट्स की जरूरत होगी तो ज़्यादा। सभी रास्ते बात हुई है पीछे पानी छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे, स्थिति ठीक है वहाँ पर? देखिए, वो तो जितना पानी आ रहा है उतना उनको छोड़ना ही पड़ रहा है, वो वहाँ पर कोई रिजर्वायर नहीं है जो रखेंगे, तो वो तो आवरली डेटा आ रहा है कि कितना पानी वो लोग छोड़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है जो पानी कल छोड़ा उन्होंने वो कि आज शाम तक थोड़ी सी पानी लगता है राइज करेगा, उसके बाद हो सकता है पानी नीचे जाना चालू हो जाए। जो वर्क फ्रॉम होम है आपने अपील की, क्या इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है अभी लगता है क्योंकि रास्ते सारे बंद हैं? अभी तो एडवाइजरी है प्राइवेट ऑफिसर्स को, सरकारी ऑफिसर्स हम बंद कर देंगे जो नॉन एसेंशियल है। संडे तक के लिए।